डोंगरगढ़ के नगर पालिका परिषद के नए भवन में पहली बार सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक अध्यक्ष तरुण हतेल की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष शिव निषाद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुभाष दीक्षित की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष तरुण हतेल के लगातार कई दिनों से अनुपस्थिति के अभाव में राजपत्र में पारित आदेश के अनुसार उपाध्यक्ष शिव निषाद को कार्यभारित अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नए एल्डरमैन संजय श्रीवास्तव एवं रूपचंद्र खोबरा गड़े का मुख्य बाजार पालिका अधिकारी व पार्षदों के द्वारा स्वागत करवाया गया। स्वागत के पश्चात पार्षदों ने मीना बाजार में झूलों के बढ़ाए हुए दर के विषय में सवाल जवाब किया गया। साथ ही सभी वार्डों में पट्टा वितरण करने की बात रखी गई, जिसके लिए शहर में मुनादी कराकर आवेदन आमंत्रित करने की सलाह दी गई। इस मौके पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुभाष दीक्षित, कार्यवाहक अध्यक्ष शिव निषाद सहित अन्य पार्षद व कर्मचारी उपस्थित थे। कल जो पीएससी की बैठक संपन्न हुई नगर पालिका में, उस संबंध में कुछ जानकारी दी। कल परिषद की बैठक का आयोजन नगर पालिका सभागृह में किया गया, जिसमें उस बैठक में जो मुद्दा था वो अध्यक्ष जी के अनुपस्थिति के पश्चात जो राजपत्र में प्रावधान है शासन द्वारा, उसमें उपाध्यक्ष को उनके अधिकार के तहत हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाना था, जो विषय परिषद में रखने का कारण यही था कि परिषद को यह पता रहे कि ऐसा इस कारण से हुआ है। शासकीय प्रावधान अनुसार उसको अधिकृत किया जाना आवश्यक था। शासन से भी यही निर्देश थे कि राजपत्र में जो प्रावधान है उसके अनुसार आप कार्रवाई करें, तो उस कार्रवाई को किया। और दूसरा विषय था ये पट्टे वाला, जो आवास के पट्टे 1984 में दिए गए थे, उसका भी पट्टे का नवीनीकरण होना है। उनके आवेदन पत्र विधिवत आवेदन जमा कर सके और राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो पट्टे वितरित किए गए थे, उसके पश्चात भी कुछ स्लम एरिया में, रुकी झुकड़ी एरिया में या ऐसे बस्तियाँ जहाँ कमजोर जो रुकी झुकड़ी की समानता वाली क्षेत्र है, वहाँ पर भी उनका जो चयन है सर्वे के माध्यम से, जो शासन द्वारा निर्धारित मापदंड है उसके अनुरूप होने पर उसका सूचीबद्ध करके और उसको जो मापदंड के अनुसार कार्रवाई करना है, उसके लिए हमारा जो दल 6 दल बनाया गया है, उसी दल के माध्यम से उसका सर्वे पश्चात जो पट्टे के नवीनीकरण और जो छूटे हुए जो लोग हैं उनका पट्टे के लिए जो नाम आना है उसका सर्वे है, उसमें नाम जोड़े जाएंगे। तो उसमें ये दो विषय मुख्य थे। इसमें सभा में किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय नहीं था जिसमें कोई विवाद हो। शांतिपूर्वक बैठक संपन्न हुई और दो एल्डरमैन जो हमारे शासन राज्य शासन द्वारा नामांकित हुए हैं नगर पालिका परिषद हुआ था, तो उनका भी नगर पालिका पालिका परिवार में समावेश हुआ है और वो उन्होंने अपना उपस्थिति के साथ अपना जो दायित्व है वो अब करना प्रारंभ कर दिया है। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896677700,
7082093700 9468227722 7027551000 9050111000 9 JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद